जबलपुर में महाराणा प्रताप वार्ड का गंगानगर लाल बिल्डिंग क्षेत्र समस्याओं से परेशान है। गंदगी के कचरे के ढेर और गंदगी की वजह से इस इलाके में संक्रमण और बीमारियां फैल रही हैं। इलाका जबलपुर के महाराणा प्रताप वार्ड के गंगानगर क्षेत्र में आने वाले लाल बिल्डिंग क्षेत्र का है। यहाँ के नागरिकों का आरोप है क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम की अनदेखी की वजह से इस इलाके में साफ सफाई नहीं की जाती है। नाले और नालियाँ गंदगी से लबालब भरे हुए हैं। इस इलाके में जल निकासी की भी बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश में यह इलाका जल प्लावन का शिकार हो जाता है। पूरे क्षेत्र में मच्छर बिलबिला रहे हैं। पशु और गंदगी की वजह से यहाँ के नागरिकों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। नगर निगम में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जब से चुनाव जीता है तब से उन्होंने यहाँ के लोगों से कोई मेल मुलाकात नहीं की है। यहाँ के नागरिकों का कहना है उनके पास एक लापता है, जिसकी वजह से उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है। उससे पीने का पानी बिल्कुल नहीं आता है, महीना महीना नल नहीं चलता, यहाँ एक पीने का पानी का नल चलता है। तो आपके जो पार्षद यहाँ टैंकर वगैरह की व्यवस्था कराते हैं पानी? कभी नहीं, हम उनको जानते ही नहीं और वो कभी आते ही नहीं है। मैंने कितने जितने 7 साल हो रहे हैं अभी चुनाव हुए, 7-8 साल हो गए, उसके बाद आज तक नहीं आई? नहीं, न टैंकर आया कभी, न कभी पानी के लिए पूछताछ करने आई, न कभी। क्या नाम आपका? लाल बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या क्या है जैसे दिखाई दे रहा है कि नाला है, ये गंदा पड़ा हुआ है? गंदा पड़ा है, कोई सफाई नहीं होती, नालियों में नहीं होती है, सब डेंगू मच्छर आते हैं, पानी भरता है, और नल की है तो कोई परेशानी नहीं, तो एक हफ्ता पानी नहीं आता पीने वाला। अभी कितने दिन से पानी नहीं आया? एक हफ्ते से नहीं आया। यहाँ का जो पार्षद है वो कौन है? यहाँ को पार्षद पटेल है। आप कौन पार्षद है? गिरजा पटेल। आई आती है वो यहाँ का? वो नहीं आती, जिस दिन से जीती है तो वो आती भी नहीं। कौन सी पार्टी की है? पटेल है, वो एसी महाराणा प्रताप की। नहीं नहीं, कांग्रेस। तो आपके यहाँ पे जब से जीती आज तक आई नहीं? कोई समस्या नहीं सुनी। जब पानी गिरता है तो मेरे ख्याल से आप कहाँ तक आ जाते हैं? पूरी बिल्डिंग में जो यहाँ से वहाँ तक हो जाता, पीछे से नाला, अभी चैम्बर बने हैं तो पूरी लैट्रिन वहीं भरी रहती है जी, साफ ही नहीं होता है। किसी शिकायत करी आपने किसी से? अब शिकायत तो नगर निगम में करी है। तो कुछ समाधान हुआ इसका? कुछ समाधान नहीं हुआ। पार्षद बिल्कुल निष्क्रिय हैं आपके? बिल्कुल नहीं आती भैया। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव, बदलाव होना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? हम आपको नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्डिंग गंगानगर क्षेत्र पे जो अपने यहाँ पे 2 कनेक्शन है नल वाले, नल का मीठा पानी जो आता है वो लगे तो है लेकिन पानी उसमें नहीं आता। पहले 24 घंटे पानी आता था लेकिन अब साल भर से ज़्यादा ही हो गया होगा, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता। शिकायत करी आपने? हाँ, है शिकायत करी? शिकायत तो करे लेकिन उसका कुछ नहीं हो। कोई हम लोग कहीं वहाँ से जाते हैं, कहीं भरने जाते हैं, उन लोग भी भरने कभी देते कभी नहीं देते, कभी नल आता कभी नहीं आता है। उसके बाद अपने बोरिंग का पानी लगा है जैसे, वो भी चढ़ता नहीं है कभी कभी पानी, बहुत परेशानी हो सामना। पानी का तो परेशानी होती है, क्या है बहुत सारे नल जो इसमें से अवैध कनेक्शन कर लिए लोगों ने, तो उसमें पानी अपने टंकी में चढ़ नहीं पाता है। अच्छा एक बताएं, यहाँ पे जो यहाँ जो नाला खुदा है, नाली खुदी मच्छर भगाने वाला नहीं, मच्छर वाले मच्छर नहीं आते यहाँ अभी तक। वो जब कोरोना आया था जब डॉक्टर मच्छर वाली। अच्छा आपके जो पार्षद हैं कभी देखा, दिखाई दिया आपने? नहीं, हमने तो नहीं देखे, हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। आप चाहते हैं पार्षद बदलना चाहिए? देखिए काम होने के लिए तो पार्षद बदलना ही पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा ना। क्या नाम आपका? राम कुमार। पानी की और गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो इसकी शिकायत कई बार हम लोग एप्लीकेशन दे चुके नगर निगम में पर कोई फोन नहीं। कोई आपके यहाँ के जो पार्षद है क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते आप? यहाँ पे आए कितनी बार आ चुकी है? नहीं आते, जब से हम आए 2 साल तो हम लोग को आए हो गए, नहीं आए अभी। एक बार नहीं आए, जैसे अभी कोरोना काल गया तो उस समय भी नहीं आए? नहीं। तो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं? नया पार्षद बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुक्ता शर्मा जी। सर नहीं आता, घर के सामने नाली की बजाबाजी हो पड़ी है, क्या करें बताओ इनका। हाँ। हम कितने दुखी हैं कि मच्छर हम लोग को 5 मिनट नहीं छे, हमको बैठे। आपके यहाँ के पार्षद कौन है?
हमें नहीं पता। अच्छा, ये नल लगा हुआ है, नल कभी आता है? नहीं आता, नहीं आता बिल्कुल, वो छट पड़ी है। पाइपलाइन देखो ऐसे ही है, पानी बिल्कुल भी नहीं आता, एक बूंद भी। आपका नाम? कभी उधर भटक, कभी उधर भटक के आते हैं। आपको लगता है यहाँ पे पार्षद बदलना चाहिए? पार्षद का तो नहीं कहती मैं कि बदले या ना बदले, हमारा तो कम से कम कुछ होना चाहिए ना, कि यहाँ झाड़ू लगता है ना, कभी झाड़ू नहीं लगता, सालों साल बीत जाते हैं, नालियाँ साफ नहीं होती कभी भी, और नल के लिए हम लोग कभी इधर कभी उधर कभी उधर पानी भरने जाते हैं। एकदम मेरी कमर इतनी दुखती पानी के लिए, कुछ पूछो नहीं। कितनी उम्र है आप? हमारी 70 होगी। क्या नाम है आपका? चंद्र मोहिनी। धन्यवाद। खड़े हुए हैं महाराणा प्रताप बाट की, यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हमने सुनी महिलाओं से, क्या विचार हैं आपके? देखिए, ये गंगानगर नवनिवेश कॉलोनी का क्षेत्र, लाल बिल्डिंग का क्षेत्र है, यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं और सामान्य लोग भी रहते हैं, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, परंतु यहाँ देखा जा रहा है कि ना तो यहाँ कभी कोई सफाई करने लग जाता, न यहाँ पानी है, गंदगी देखिए, नालियाँ सब बाजार हैं, पूरे जितने लोग यहाँ रहते हैं सब गंदगी के बीच में पनप रहे हैं, और ये बेचारे सब गरीब लोग जितना कमाते हैं सब इनका पैसा दवाइयों में जाता है, ये पानी भरने बहुत दूर दूर जाते हैं, कोई साइकिल में पानी लाता है, कोई गाड़ी में ढो के लाते हैं, इनका आधा समय तो पानी ढोने में चला जाता है, ये कब कमाएंगे, कब खाएंगे, कहाँ मजदूरी करने जाते हैं, इनके साथ बड़ी समस्याएं हैं। ये क्षेत्रीय पार्षद हैं, वो कभी आते हैं यहाँ पे? इस मैं तो पहचानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ के पुराना निवासी हूँ, किंतु यहाँ के लोगों से अगर 100 में से पूछा जाए तो 90 लोग पार्षद का नाम भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पार्षद कौन था, और ऐसा पार्षद नहीं चाहिए, हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो समाज में आके काम करे, जनता को पहचाने, जनता की समस्याओं को सुने। आप चाहते बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, पार्षद जो है, जो पुराना पार्षद थे उसको तो हम यहाँ बिल्कुल लाना नहीं चाहते हैं, हमें नया उभरता हुआ चेहरा चाहिए जो समाज में हमारे वार्ड में काम करे और हमारी गरीब जनता की जो सुने, इनकी समस्याओं को निराकरण करे, पानी बिजली देखिए, जो नालियाँ बजारी नालियों से मुक्ति मिले, गंदगी से जो है मुक्ति मिले, ऐसा पार्षद चाहिए यहाँ के लिए। जी, क्या सब नाम है? मैं पंडित राम छवि मिश्रा, भागवत आचार्य। समस्याएं आपकी? जी, ये नवनिवेश कॉलोनी फेज 2 लाल बिल्डिंग के बाजू में कॉलोनी है, यहाँ पे मूलभूत जो समस्याएं हैं वो सड़क नहीं है, 100% इस कॉलोनी में सड़क नहीं है, बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पैदल चलने वाली महिलाएं तो कई बार इतनी बुरी स्थिति में गिरती हैं कि उनको चोटें भी लगती हैं और कुछ उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, और दूसरी चीज़ यहाँ फ्लैट काफ़ी लोगों ने हटा रखे हैं, खाली पड़े हैं फ्लैट, जिसके कारण बरसात के दिनों में उनमें पानी भर जाता है, कीचड़ होता है, मच्छर की समस्याएँ होती हैं, गंदगी होती है। कभी पार्षद से आपने शिकायत करी? पता ही नहीं चलता पार्षद रहते कहाँ हैं, कोई महिला पार्षद है यहाँ पे, उनके हस्बैंड देखते हैं पार्षद का काम, उनको कई बार फ़ोन किया गया लेकिन वो आते ही नहीं, विजिट ही नहीं करते हैं। तो भाई साहब, आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे जो मूल समस्याएं हैं यहाँ पे, सड़कों का निर्माण हो जाए, ये जो खाली प्लाट पड़े हैं जिनमें पानी भरते हैं, इनमें पानी निकासी की कोई सुविधा हो जाती, और ये पार्षद तो खैर इनका कार्यकाल समाप्त हो रखा है, तो आप, तो आप जिससे भी मिलेंगे काफ़ी होपलेस, जो भी कार्यकाल था ना तो पब्लिक से उनका कोई कांटेक्ट हुआ है ना कुछ हुआ है। ये कौन सा वार्ड है? ये महाराणा प्रताप वार्ड है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ इस बार बदलाव जरूरी है क्या? बेहद ज़रूरी है बदलाव, तो वैसे भी देखिए काम अगर करना है तो बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव प्रगति का एक प्रतीक होता है। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या? नो डाउट बदलाव तो होगा, बदलाव होगा। आपका नाम? सीके मिश्रा। कैमरे तरफ देखिए, पूरे यहाँ देखो, यहाँ कौन सा वार्ड है ये? महाराणा प्रताप। क्या समस्या आपको? ये नाली में गंदगी, मंदिर के पीछे गंदगी, सालों से लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, और भी बहुत सारी समस्याएं, हर जगह से पानी साफ सफाई। कंप्लेंट आपने किसी को की? वो आते हैं सफाई वाले, पर जब उनसे बोलो कि आ जाइए भैया यहाँ पर भी कर दीजिए, तो वहीं पर वापस हो जाएंगे। नाली के बारे में उसकी कंप्लेंट आपने अपने पार्षद को? पार्षद तो हमारा इतना बेकार है कि हम लोग आज तक नहीं देखा। लॉकडाउन के टाइम हम लोग जाते थे भैया, हम लोगों के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस बार बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अब हम लोगों के ऊपर है। एक चीज और देखो, ये दुबे जी, अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लाल बिल्डिंग कहा जाता है क्षेत्र को, आपके महाराणा प्रताप बाढ़ में आते हैं, यहाँ की यहाँ शिकायतें हैं, जो ढेर सारी शिकायतें। जी जी जी,
क्या लगता है आपको, इसका निराकरण होना चाहिए? बिल्कुल निराकरण होना चाहिए सब, इसी के लिए तो हम लोग एड़ी चोटी की ताकत लगाए बैठे हैं। आज ये दशा आप एक क्षेत्र के एक कॉलोनी की देख रहे हैं, ऐसा पूरे वार्ड की दशा है। यहाँ खुली नाली में इतने मच्छर पनपते हैं, ना कभी दवाइयों का छिड़काव होता। ये जितने पैसे कमाते हैं बेचारे, सब दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। वही मच्छर काटते हैं, बीमार पड़ते हैं, और इतनी गंदगी भरी पड़ी है बेचारों। हम लोग भी शिकायत कर कभी करके आए तो भी नहीं सुनवाई होती, कोई सुनवाई नहीं। बोले पार्षद को भेजो, अब वो पार्षद कोई जाता नहीं। यहाँ तो लोग पार्षद का नाम तक नहीं जानते। हाँ, पार्षद जीत के घर बैठ गए, उसमें क्या भाई, क्या कोई सक्रिय कार्यकर्ता जीत के आएगा तो काम बनेगा। लगता है कि अगर कोई नया चेहरा आता है माननीय, तभी काम होगा, कुछ यहाँ पे कार्य होगा। अब ये तो प्रभु की इच्छा है, मौका मिला तो जरूर होगा जी। क्या शुभ नाम? अनिल दुबे, महाराणा प्रताप अध्यक्ष जी, आप जी मंडल उपाध्यक्ष। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।